हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ सेवियर। और आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार एक्सिस बैंक मोबाइल ऐप को यूज़ करके हम किसी थर्ड पार्टी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लॉगिन किया हुआ है और लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपना एम पिन इंटर करते हैं। ये देखिए, वेलकम इंटरफेस आ चुका है। यहाँ से हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं और जिस बेनिफिशियरी को ऐड करना है यहाँ से हम उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो कस्टमर है वो नॉन एक्सिस बैंक का है, तो इसलिए हम अदर बैंक कस्टमर में क्लिक करते हैं। यहाँ से ऐड पे के एक डिटेल फॉर्म की तरह आता है, तो इस डिटेल को हमको फिलअप करना पड़ता है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, निकनेम वगैरह वगैरह। तो यहाँ मैं उसका अकाउंट नंबर लिख रहा हूँ। ये दो इम्पोर्टेंट स्टेप है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। जैसे कि मान लीजिए कि अकाउंट नंबर तो पता है पर आईएफएससी कोड नहीं पता है, तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि उसका अकाउंट किस बैंक में है और किस एरिया का, वो किस ब्रांच का बैंक अकाउंट है। जैसे मान लीजिए कि ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसका ब्रांच है वेस्ट बंगाल। आसनसोल, तो यहाँ मैंने आसनसोल पे क्लिक किया और आसनसोल में तीन ब्रांच हैं। यहाँ पहला वाला, जी हाँ, ये आईएफएससी कोड है। उसके बाद पे के नाम को इंटर करना है। यहाँ मैंने ऐड बटन को क्लिक किया यहाँ कह रहा है इंटर निकनेम, तो हमको निकनेम के भी को भी इंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना मैंडेटरी नहीं है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन आया है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का डिटेल। एक बार फिर हमें अपने एम पिन को पुट करना होगा। और यहाँ 8 डिजिट का एक्टिवेशन कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ जाएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहां पे लिखना है। और यहाँ पे हमें पे बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही साथ यह हमारा थर्ड पार्टी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे तीन पेमेंट ऑप्शन है, NEFT लेटर, इंस्टेंट IMPS एंड स्टैंडर्ड NEFT। तो हम किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने कमेंट्स, लाइक, शेयर भी कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।